आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारी सुपर कूल बातें तो बच्चे ही करते हैं। तो आज की पर्दे के पीछे की सारी बातें हम आपको बताएंगे। सो वेलकम टू DID लिटिल मास्टर्स लाइमलाइट। आप लोगों ने देखा कि पिछले बार जब बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आए थे तो कितनी मस्ती हुई थी, तो मुझे भी वही देखना है। चलो हम सब देख लेते हैं। सबके लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड था क्योंकि उन लोग ने बहुत टाइम से अपने दादा दादी नाना नानी को देखा नहीं था, इतने टाइम से वो लोग मिले नहीं थे। पहले मैं जब डांस करता था तब नाना नानी इतना ध्यान नहीं देते थे, फिर मैं इधर डीआईडी लिटिल मास्टर्स में आया तो मेरे नाना नानी इतने दूर राजस्थान से सिर्फ मेरा डांस देखने आए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी लड़की का लड़का जिसका नाम तनय है, उस तनय का डांस देखने के लिए मुझे इतना बढ़िया अवसर शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, क्योंकि मैं 72 साल की उम्र तक मैं कभी इस प्रकार का शो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। तनय जो बचपन में बहुत उछल कूद करता था, खुदकता था, मैं उस पर गुस्सा भी करता लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता और खूब नए नए प्रकार के उछल कूद करता था, और उसी उछल कूद को मैंने जब स्टेज पे उसको देखा डांस करते हुए, मैं देख करके इतना अभिभूत हुआ कि काश मैं भी बच्चा होता और मुझे भी इस प्रकार का मौका मिलता। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। पापा मेरे मम्मी को कभी भी आई लव यू नहीं बोला, आज पहली बार मुझसे सुना आई लव यू, आई लव यू। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हमारे यहाँ तो घूंघट निकालने की प्रथा है और अभी भी मेरी मम्मी सर पे पल्लू रख के घूंघट निकालती है, अभी भी निकालती है। तो वहाँ यहाँ आके एकदम पापा को आई लव यू बोला तो मैं तो शौक ही हो गई, यानी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे मम्मी ने आई लव यू बोला पापा को। कल रोहन का नाना नानी भी स्लो मोशन किया, देख के तो हम लोग फिदा हो गया उसके ऊपर, इतना अच्छा स्लो मोशन किया, शायद राघव भी इतना अच्छा नहीं कर पाए। स्टेज में जाके हम लोग खुद खड़े नहीं हो पाते वहाँ पर, वो लोग डांस कर रहे थे तो वो देख के हम तो बहुत इंजॉय किए। नाना नानी ने तक नया स्लो मोशन किया दोनों हाथ से साथ में, तो वो एक नई चीज़ देखो मेरे नाना नानी तक यूनिक है, आप सोच लो तो राघव की टीम तो यूनिक ही होगी ना। फैसल के नाना नानी ने सभी के लिए खीर बनवा के ले आए थे घर से, तो दादा को जब ये खीर दी गई तो दादा जो है स्पून को चाट चाट के खा रहे थे और सभी को दिखा दिखा के खा रहे थे और सभी के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे लगता है कि शायद ग्रैंड मास्टर जब घर चले गए होंगे उसका पेट जरूर खराब हो गया होगा। जब मेरा परफॉर्मेंस हुआ था तब मैं बहुत रोई थी, क्यों पता नहीं मेरे दादाजी की याद आ रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्यों रो क्यों रही हूँ। जब ग्रैंड मास्टर के गोदी में मैं सोई थी तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादाजी के गोदी में मैं ही सोई हूँ, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जो है मेरे दादाजी जैसे और मैं भी उनको दादाजी जैसे ही मानती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत जोरों से रोना आया था जब मैं उनके गोदी में सोई थी। तो मैं भी अपने दादा दादी और नाना नानी से बहुत प्यार करता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए भी वो सब मेमोरीज वापस आ गई थी कि हम कितनी शरारत करते थे और वो हमेशा हमें बचाते रहते हमारे मम्मी डैडी से हमारे अंकल आंटी से। सो आई लव देम, आई लव टू हैव देम अगेन एंड गॉड ब्लेस देम ऑल। जिन डांसिंग स्टार्स के लिटिल मास्टर्स फैन रहे हो, जिनके एक एक मूव ने हर एक लिटिल मास्टर को इंस्पायर किया हो, उनके साथ डांस करने का मौका मिले तो खुशियों का इस तरह सामने आना लाजमी ही है। अब आराम से पीछे से छोड़ो, ओ सॉरी अपनी आंखें खोलो। बाप रे, हां सर, ये
राजश्री दादी के साथ डांस करूंगी। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। डीआईडी में वापस और एक बार आने को मिल रहा है मौका, तो मैं बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि डीआईडी एक फैमिली है हमारा, और फैमिली में वापस आने में बहुत ही खुशी होती है। सच में मुझे यहाँ वापस आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है कि मैं फैजल के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि फैजल का स्टाइल और मेरा स्टाइल एक ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, वही फ्लोर वैसा ही फीलिंग। अभी कंटेस्टेंट से ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है अभी से वार्म अप चालू कर दो ताकि नेक्स्ट वीक तक मैं तैयार हो जाऊँगी इनके लिए। जीत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मुझे किसी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना अमेजिंग डांसर है। और सिद्धार्थ भैया इतने लंबे और मैं इतना छोटा हूँ, और वो मेरे साथ जोड़ी करेंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। यो यो यो। सोम्या बहुत अच्छी डांस करती है, उसका एक्सप्रेशन तो मसाला क्या है। ये छोटा प्रदीप है और ये बड़ा प्रदीप है, ये बिफोर एंड आफ्टर वाला वर्जन है, साथ में मिल गए हमको। डांस का पाप है ये, और मैं थोड़ा साथ देने आ रहा हूँ। डेथ से आगे क्या होता है, सिर्फ हम लोग स्टेज फाड़ने के लिए जाएंगे और फाड़ के आएंगे। जब मैं यहाँ पे आकर जब स्टेज को देखा, तो सच बोलूँ ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया मेरे चारों तरफ, सब कुछ टाइम भी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं फिर मैं फ्लैशबैक चला गया था। ऐसा लग रहा है दोबारा सीजन 2 की पार्टिसिपेंट बन गई हूँ मैं। कैसा स्टार है, देखो अभी भी टाइम पुश कर रहे हैं, उसके साथ सब मिल रहा है, तो मैं कि आफ्टर लाइफ रिहर्सल करूं, उसको तो मेरे साथ रिहर्सल ही नहीं करने दे रहा। सिद्धार्थ भैया रिहर्सल कब करेंगे आप, कब से मिलते रहेंगे क्या आप? मुझे लगता है अपने को रिहर्सल की जरूरत है, थोड़ा सा जरूरत है। चले ठीक है, थोड़ा सा कर लेते, जब गरीब लोग बाहर निकल जाएंगे ना, तो अमीर लोग पटवाड़े रिहर्सल करेंगे। ठीक है ठीक है, दे ताली, इनको बोल जाओ, इनको बोल जाओ। रामायण वाला भरत भाई, राम भाई, वाला मन में धर्मेश, वाला सिद्धेश, मिल जाते, कोई टेंशन नहीं। हमें पता था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसा एपिसोड आएगा ही, और हम मिलेंगे जरूर। एक्चुअली हमारे बिना कोई नहीं यार। हम दोनों गीता माँ के लिए डांस कर रहे हैं, और गीता माँ मेरी माँ, इनकी माँ। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सर बोल किसकी है, किसकी है बोल, दोनों की बोल, दोनों की बोल, और किसकी नहीं, और एक मिनट किसकी नहीं, क्या भैया ये भी तो है, मैं मारू क्या अभी, मारो इसको, मारो क्या? तीनों की बोलो, तीनों की बोल, हाँ तीनों की। तो देखो कितना अत्याचार करके मुझसे इन लोगों ने बुलवा दिया कि गीता माँ तीनों की माँ। सब मेरे ही बच्चे, पुराने नए आने वाले, all my babies, I'm very very happy to see them. परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे तो डांट पड़ेगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। देखा, बच्चों की मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन और मस्ती और धमाल देखने के लिए देखते रहिए लाइमलाइट। डीआईडी सीजन 1, 2 और 3 के डांसिंग स्टार्स के संग लिटिल मास्टर्स ने ऐसा धमाल मचाया कि हर तरफ बस तालियां ही तालियां। छोटी छोटी माओं ने, बापों ने जो डांस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे करके। हमारे पेट पे लात मत मारो, थोड़ा काम करने दो। गीता माँ जब डांस करने आए थे सिद्धेश भैया के साथ, और सिद्धेश भैया हीरो बने थे और गीता माँ हीरोइन बने थे, के पीछे हम लोग बैकग्राउंड डांसर बने थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। गीता माँ का जवानी बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बहुत तमन्ना था कि मैं धर्मेश भाई के साथ डांस करूँ, और वो आज जाके पूरी हुई है, साथ में स्टेज में, वो भी डीआईडी के मंच में डांस कर रहा हूँ उनके साथ।
सर का मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और राघव तो है ही, जो हम लोग एक साथ सीजन में रहे और प्रिंस भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। इन तीनों को साथ में इस मंच पर देखना इज अ ट्रीट टू द आईज टू द इयर्स और फुल फिजिकल, मतलब इतना खुश हो गई मैं तो। बहुत फायर हो गया ये, एक्चुअली फायर हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट कभी भी कुछ आएगा तो और एक बार साथ में डांस करेंगे, है ना? हाँ प्लीज, और सुपर प्रॉप के साथ। सब पिछले सीजन के बच्चे आए थे, आई हैड फन टू मीट देम, क्योंकि सब बिजी हो गए हैं, अब सब अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं, तो जब ऐसा मौका आता है डीआईडी के मंच पे तो ऐसा लगता है कि यू नो पूरा फायदा उठाया जाए। पुरानी यादें वापस आ गई और आई एम वेरी प्राउड कि इसी स्टेज से सभी निकले एंड दे हैव ऑल बिकम समबडी टुडे, और सभी को देखकर ऐसा लगा कि यस वी हैव डन समथिंग। आई विश डीआईडी ऑल द बेस्ट, डीआईडी के जो कंटेस्टेंट्स है, सिद्धेश ले लो, धर्मेश ले लो, प्रिंस ले लो, यहाँ तक राघव, ऑल ऑफ देम हु केम, अमृता, विशाली, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ डीआईडी लिटिल मास्टर्स। मैं इस मंच पे हर बार आना 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 पसंद करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डांस टिल आई डाई, सो आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट कीप डांसिंग एंड डांस कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारा एपिसोड बहुत ही सुपर रहा, पर एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आती, वो है एलिमिनेशन, और इस हफ्ते तने को इस मंच को छोड़कर जाना पड़ा। रियली सॉरी तने। आज तने का एलिमिनेशन हुआ, आई थिंक आई फेल वेरी सैड बिकॉज वो एक बहुत अच्छा डांसर था, पर आई थिंक आज उसका दिन अच्छा नहीं था, तो समवन हैड टू गो एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज तने। यू नो आई वाज ट्राइंग टू गिव हिम एज मच एज सपोर्ट एज आई कैन, बट जनता, हार्ड डे फॉर हिम, वो आउट हो गया, बट नेवर माइंड, ये आगे जाके बहुत लाइफ में डांस करना, क्योंकि अभी तक वो छोटी है। उसकी जर्नी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पहाड़ के जैसी है, वो पहले तो स्टैंड बाई में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर वो पहले ही दिन एलिमिनेट हो गया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि मैं पहले टॉप 16 में आते ही आउट हो गया, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि वाइल्ड कार्ड एंट्री बाकी है, तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरे को एक और चांस मिला था अपना डांस दिखाने का। हमें तो विश्वास ही नहीं था कि वाइल्ड कार्ड से उसकी एंट्री हो जाएगी। वाइल्ड कार्ड स्पेशल के विजेता बनकर सुपर 10 में शामिल हुए हैं, वो है तनय। डीआईडी वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है, सबने उसकी बहुत मदद की है। मैं एलिमिनेट हो गया लेकिन मेरे को बुरा लगा था क्योंकि नीरव भैया उस टाइम नहीं थे, क्योंकि मैं जाऊंगा तो आखिरी टाइम उनको मिल के जाऊंगा। मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा पहले तो नीरव भैया की टीम को, और फिर मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को भी बहुत मिस करूंगा क्योंकि मैं उनके साथ इतने दिन रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनके साथ, वो मेरे एकदम ऐसा लगता है कि वो मेरा भी रिलेशन में है। तने तुम टेंशन मत लो क्योंकि टॉप 7 तक आना किसी की बस की बात नहीं है, और आप बहुत अच्छा डांस करते थे इसीलिए टॉप 7 तक आए करोड़ों में से। आपका इतना बड़ी फुवारती कि वो चीज़ आपको मैं बहुत मिस करूंगा, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और हमेशा आप ऐसे स्माइल करो, आप ऐसे ही रहो, हम तो बहुत मिस करेंगे, वी लव यू तने, वी ऑल लव यू। डांस इंडिया डांस, डीआईडी एक इंडिया का नंबर वन डांसिंग शो है, और वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर डांसर का सपना होता है कि उस मंच पर आके परफॉर्म करे, और जब मुझे मौका मिला तो लोगों का प्यार मिला मुझे और मैं इस कंपटीशन में आ गया। डांस इंडिया का एक ऐसा मंच है जहाँ पे आकर हर डांसर की ज़िंदगी बदल चुकी है। जिस मंच से मैं जुड़ा था एज एन असिस्टेंट, फिर कंटेस्टेंट, और आज मैं एक स्किपर हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि इन बच्चों का करियर मेरे हाथ में है, किस तरह से मैं उन्हें हर हफ्ते तैयार करता हूँ, किस तरह से एड्स प्रेजेंट करता हूँ। बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब मेरे बच्चे आके वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और उनको वाहवाही बटोरते हैं, वो ऐसे कमेंट्स लेकर आते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे चैलेंज हो जाता है कि मुझे हर हफ्ते और अच्छा परफॉर्म करना है, और ऐसे ही रंग बिरंगी परफॉर्मेंसेज आपको दिखानी है। तो आपको मालूम है कि आज शो में कितने लड़के और कितनी लड़की हैं? हाँ,
चार लड़के और दो लड़कियां हैं। चार और दो लड़कियां थोड़ी कम नहीं है? लड़कियां किसी से कम नहीं है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। अब डीआईडी में बस दो लड़के बची है, शालिनी और सौम्य, तो उन दोनों से बच के रहना पड़ेगा हमें। जैसे शालिनी एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी है और जो सौम्य है वो हिप हॉप हर स्टाइल अच्छे से अटेम्प्ट करती है। शालिनी दीदी बहुत स्ट्रांग है और उसका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है, पर सौम्य दीदी के प्रॉप्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन उतना नहीं देता है। शालिनी और सौम्य दोनों भी अच्छे डांसर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बॉयज़ को कंपेयर कर सकती है। हम जितने हाइट से जंप करते उतनी हाइट से क्यों नहीं जंप करते वो लोग? तो वही लड़की कभी भी लड़कों पर भारी नहीं हो सकती। बॉयज लोग को लगता है कि लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लूज है, जंप करने से ऊ करती है, लेकिन हम लोग भी स्ट्रॉन्ग ही, हम लोग सब करते हैं। दो गर्ल्स बची है तो बॉयज है तो बिल्कुल भी टक्कर नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। बस दो लड़कियां बचे तो क्या हुआ, हमने दो लड़कियां लड़कों के काबिल, हम लड़कों को कंपटीशन दे सकते हैं। ऐसा ही कुछ सीजन 3 में भी हुआ था कि जब टॉप 7 कंटेस्टेंट्स थे उसमें सिर्फ दो लड़कियां थी, राजस्मिता और मोहिना, और ऐसा ही कुछ लिटिल मास्टर्स में हो रहा है कि चार लड़के और दो लड़कियां बची है। दोनों बहुत स्ट्रांग लड़कियां हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि शालिनी एक्सप्रेशन की सिर्फ क्वीन है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सौम्य भी अच्छा देती है, तो कंपैरिजन करने के लिए दे इक्वल। खुशी की बात यह है कि सौम्य और शालिनी दोनों लड़की होते हुए भी बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं एक्चुअल लड़कों को, क्योंकि कल के एपिसोड में जो शालिनी ने परफॉर्मेंस दिया है इट इज़ अनबिलीवेबल, एंड सौम्य तो पहले दिन से तय करके आई थी कि मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं, तो आई थिंक आई वॉन्ट टू सी देम टूवर्ड्स द फाइनल्स एंड आई होप टू सी देम टूवर्ड्स द फाइनल्स। इस बार डीआईडी लिटिल मास्टर सिर्फ लड़की बनी, गर्ल पावर। दिखने में छोटे हैं लेकिन इतनी बदमाशी, बाप रे बाप। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यार, देखने में इतना मजा आया इन बच्चों को, मिलने में कैसा होगा, चलो जाके देखते हैं। लेट्स गो। चला इतना अच्छा टैलेंट इस प्लेटफॉर्म से आता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेटफॉर्म से इतना बेहतरीन टैलेंट आता हो। मैं सभी कंटेस्टेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम लाइव। तुम ही कसा आए तुमची ते पिक्चर मला खूब आओ, अरे आप पता है आपको कौन आने वाला है? रितेश देशमुख, वो भी मराठी से बोलेंगे तो थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा ना। बहुत एक्साइटेड हूँ, सेकेंड टाइम दादा के साथ इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है, और बच्चों के साथ खेलना कूदना इंटरेक्ट करना नाचना नचाना बहुत मज़ा आता है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन फिल्ड इवनिंग। पता है हमारा एक नया दोस्त आने वाला है इस शो में, ये दोस्त कौन होगा और जय भैया के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं ये पता चलेगा थोड़ी देर में। आप देखते रहिए DID लिटिल मास्टर्स, मैं और तुषार द सुपर कूल बॉयज आ रहे हैं, चलो।